कपकोट से निकलने के बाद ना अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भराड़ी मार्केट से आगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अभी हम लोग रुके हैं भैया लोग के लिए, क्योंकि भैया लोग नहीं पहुंचे, तो वो लोग पहुंचेंगे ना फिर साथ साथ ही यहाँ से निकलेंगे। बाकी वो लोग भी पहुंच चुके हैं, पीछे रही उनकी गाड़ी। और यहाँ से ना ये रोड जाती है भैया लोग के घर को, और इसके जस्ट पीछे जो रोड है ना वो जाती है पिंडारी ग्लेशियर को। पिंडारी ग्लेशियर तो हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि आजकल वहाँ बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। बाकी यहाँ पे ना सरयू नदी है, और ये सरयू नदी आती है सौधारा से, यानी कि इसी रोड में पड़ता है आगे जाके। तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, बोलने में भी ना कपकपी जैसी चढ़ रही है। तो चलते हैं आप फटाफट से घर के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सरड़ गांव में, और यहाँ ना अभी भी बारिश हुई थी, बारिश की वजह से ना रास्ते भर में कीचड़ भी हो रखा है। तो हम लोगों ने ना अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी है, बाकी आंटी वहाँ से देख रही है। काव्या को नहीं लाए ऐसी तो वो ना गाड़ी के अंदर ही सोई है, तो उसको उठाते हैं फिर चलते हैं ऊपर। आ गई। तो बच्चे ना पहले आए हैं तो उनको रास्ता भी पता है, तो वो लोग जाने लग गए हैं आगे आगे। बाकी दक्षो वहाँ पहुँच गए। अब कहाँ को जाना है? हाँ, अब कहाँ जाना है? इधर को जाना है। चलो फिर चलो, नहीं लग रहा है, चलो। नहीं सीढ़ी से नहीं चढ़ना है, यहाँ से चलो। वहाँ चलो 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 चलो। कहाँ है? तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम लोग भी घर पे, और सबसे पहले हमारा स्वागत हो रहा है यहाँ पे आंटी के द्वारा। दादी, भौकी दादी। नानी नहीं है? नानी हो। हाँ नानी, ठीक बोला तूने, नानी। आंटी प्रणाम, बधाई हो एक बार फिर से। एक बार फिर से कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसे हो? ठंडा हुआ? जीते रहो। कैसे हो? बस बढ़िया। आप? बस बढ़िया। मैं भी मेले के लेके आ रहे हैं हाथ में। ये मोची लाई था बन के आज। बाकी कैसे हो? बधाई हो एक बार फिर से चाची को। तो हम लोग ना यहाँ एक बार पहले भी आए हैं, लेकिन उस दिन ना मुलाकात नहीं हुई थी, तो इतने टाइम बाद ना पहली बार भूमि से मुलाकात हो रही है। सच में अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी हीनू से तो बाद में मिलूंगी, पहले इन लोगों से मिल लेते हैं, काफ़ी सारी गप्पे सप्पे भी करनी है। और सबसे मेन जो यहाँ पे मेन मेंबर है ना, यानी कि नमू, तो उससे भी मिलना रह चुका है, तो अभी नहीं मिलूंगी उससे, पहले आग को छूंगी फिर मिलूंगी, क्योंकि हम लोग ना इतने लंबे सफर से आए हैं। बाकी कैसा लग रहा है? कितना ठंडा हो रहा है ये बताओ पहले। ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी, आपको पता चलेगा। अभी तो नया नया गर्म हो रहा होगा। कैसा लग रहा है अभी चाची बन के? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो होता ही है यार, चाची बनने का फीलिंग ना अलग ही आती है। चाचू को तो पता ही कैसा लग रहा है। आ चुके हैं पापा भी और रावत जी भी। गिफ्ट, मेरा गिफ्ट है। चाय पानी भी हो चुका है, अब चलते हैं नीचे, यानी कि हीनू से मिलते हैं और छोटे बेबी से भी मिलते हैं। तो उनका रूम ना नीचे है, और वही अभी फिलहाल वही वाले रूम में रह रहे हैं, कल के दिन ना फिर कमरा शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत बढ़िया। अभी तक तो बुखार आ रहा था, अब सही है थोड़ा, बुखार सही है। तो चलते हैं अंदर को। हेलो, तुम कैसे हो? कैसा लग रहा है यहाँ कमरे में? अच्छा। यहाँ है हिना, छोटा बेबी कहाँ है? कैसे हो तुम? ठीक है तबियत? तो हिना को ना ये वाला रूम मिला है, और इस रूम में रह रहे हैं, कल से ये रूम चेंज हो जाएगा ना, कल से दूसरे वाले रूम में। अपने कमरे की याद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। मैं तो कितने बार जरूर, बेड कहाँ पे है हमारा, अलमारी कहाँ पे है, याद है नहीं हुई। होता ही है ना, क्योंकि कमरे से ना अलग रूम में हो तो फिर याद नहीं रहती है। तो अब हम छोटे बेबी से मिलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। रात के 7:30 बज चुके हैं, और अभी ना हम लोग आग वाले किचन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ना मस्त सी चूल्हे वाली रोटियाँ बन रही हैं, और दिन ना हम लोग गैस में ही खाते थे, लेकिन आज ना हम लोग चूल्हे वाली रोटी खाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा लग रहा है। और चूल्हे का स्वाद तो आपको पता ही है, ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो अभी ना हम सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, और कौन कौन बैठा है उनसे भी मिला देते हैं। आज ना यहाँ पे हमारे साथ साथ मौसी जी भी आई है, यानी कि आंटी जी की छोटी बहन, और यहाँ पे मैं, यहाँ पे भूमि, भैया और हमारे भैया। तो सभी लोग ना यहीं पे बैठे हैं, और अब ना हम लोग चूल्हे की रोटी बना लेते हैं। तो अभी हम लोग चूल्हे की रोटी बना लेते हैं, और अभी अंकल और आंटी ना बच्चों की मालिश वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोग ना नीचे ही है, तो उनसे भी मिलाएंगे। बाकी यहाँ आगे ना सच में लग नहीं रहा है कि कोई
बाकी यहाँ आगे ना ऐसा लग नहीं रहा है कि हम कहीं और आए हैं, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पहले भी आए हैं, लेकिन सिर्फ एक मेंबर से हम लोग नहीं मिले थे, वो है भूमि। तो इनसे मिलके भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम जब पहले आए थे ना तो उस टाइम पे मायके थे ना, उस टाइम पे मायके थे। तो आज ना हम लोग सभी लोग बैठे हैं, तो बच्चे ना यहाँ पे मस्त हो रखे हैं, बच्चों को मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। तो चलिए जी फटाफट से रोटी वगैरह बना लेते हैं। अभी ना हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, खाना खाने के बाद ना अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं। तो भैया लोगों ने ना हमारे लिए एक अलग से रूम किया है, क्योंकि इन लोग ना हमारे साथ नहीं रहना पसंद कर रहे हैं। मजाक कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी ना मेहमान वगैरह हैं और बच्चों के चक्कर में ना भैया ने हमारे लिए अलग से रूम किया है। तो अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं, पर्सनल रूम किया है, और इस कमरे के इंचार्ज हैं ये। आई कार्ड वगैरह सारा हमने इनको दिखा दिया है अपना, और हमें यहाँ रहने की 2 दिन की अनुमति है। 2 दिन की, 1 दिन की, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन की, बस जितने दिन हम यहाँ रहना चाहे हम रह सकते हैं। और यहाँ पे ना हीटर की सुविधा भी दे रखी है, तो थोड़ी देर हीटर वगैरह जलाएंगे, कमरा भी गर्म हो जाएगा ना। तो इस कमरे के लिए ना सच में जितनी भी सुविधा दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। पंखा की सुविधा भी है, अगर गर्म हो जाएगा हीटर से तो पंखे की सुविधा भी है। तो भैया बोले पंखा भी चला लेना, बाकी बच्चे लग गए अपने खेल पे ये। तो पहाड़ी चूल्हे में बना हुआ खाना भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, और मैंने सच में ना कितनी रोटी खाई बताएं, 5 रोटी खाई है मैंने। आंटी बोली मैं गिन रही तेरी 2 ही रोटी हो रखी है, पर लेकिन मैंने सच में 5 रोटी खाई है दोस्तों, क्योंकि मुझे भूख भी लग चुकी थी और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। कल रात की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ना अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सभी लोग उठ चुके हैं। तो सुबह सुबह का मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है, और हमारे हाथ में है गर्मा गर्म चाय। तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं और उसके बाद ना दिन की शुरुआत भी करते हैं। बाकी सरण गाँव का मौसम कैसा हो रहा है आप लोग को भी दिखाई देते हैं। तो सामने की पहाड़ी में दिख रही है हल्की हल्की धूप, और बाकी जगह ना अभी कम है धूप। तो अभी ना धूप आने में काफ़ी ज़्यादा ना समय लगेगा, और अभी ना नामकरण की तैयारी भी होने लग गई है। तो अभी टेंट वगैरह भी आएगा, उसके बाद सामान वगैरह सभी चीज़ आ चुका है, बाकी कुर्सी वगैरह भी आ चुकी है जिसमें ना रावत जी बैठे हैं अभी ना, तुम ओपनिंग कर रहे हो। और यहाँ पर ना सभी लोगों के नहाने धोने के लिए ना पानी रखा जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों को नहाना है और सभी लोग एक एक करके नहाएंगे। तो हम लोग ना सबसे पहले चाय पीते हैं, और सच में ठंडा भी इतना हो रहा है और उसमें इतना गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो पीते हैं चाय और मौसम का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे ना आंटी ने ना मटर लगा रखे हैं, और यहाँ पे ना घर की मटर की सब्जी खाने को मिलती है। तो सच में यार ये मटर के फूल भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हमारे साथ साथ ना इस घर का एक खास मेंबर भी उठ चुका है, गोल्डी। गोल्डी तो ये ना मस्त खेलने में लगा हुआ है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ना खास बात ये भी होती है ना, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को ना घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे से ना धूप से ही अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि कितना समय हो चुका है। जैसे कि सबसे ऊपर वाली चोटी में अभी है धूप, तो यहाँ पे ना अभी करीबन 7 बज रहे हैं, और एक उस कोने में धूप आई है तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है। तो हमारे गांव में भी ना ऐसे ही होता था, जब सुबह सुबह होती थी ना तो घड़ी नहीं देखते थे, बल्कि मम्मी लोग ना अंदाज़ा लगा लेते थे कि हाँ इतना समय हो रहा है अभी। तो वही चीज़ हो रही है, उठ गए। तो सभी लोग ना एक एक करके उठने लग गए हैं, और हमारी चाय अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि आग सेकते सेकते चाय पीने ना तो मज़ा ही कुछ और आ रहा है। तो आग सेकते फिर उसके बाद तैयार भी होंगे।